नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल कुरु ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नौसेना भर्ती इंडियन नेवी के तरफ से जो वैकेंसी निकली है, जिसे MR02/2024 बैच रिक्वायरमेंट हुआ है। इसमें आपको मैं बता दूं कि जो इंडियन नेवी के तरफ से निकला है अग्निवीर के लिए, इसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्या क्या एज क्वालिफिकेशन और जो क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, इसमें ये मांगा गया है, जो मैं पूरी वीडियो में अभी डिस्कस करूँगा 1-to-1। सबसे पहले बात करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट डेट है वो अप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, ये अप्लाई कब से कर सकते हैं। ये अप्लाई आप 13 मई 2024 से अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन ही ये अप्लाई होगा सिर्फ। इसके अलावा जो लास्ट डेट है अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का, वो 27 मई 2024 तक है, मतलब लगभग 13-14 दिन एक्स्ट्रा आपको दिया गया है ताकि आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है अप्लीकेशन फ़ीस है, वो आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं 27 मई 2024 को ही, ये सिर्फ आप पेमेंट का लास्ट डेट रखा गया है इसमें। जो एग्ज़ाम का शेड्यूल्ड है या एडमिट कार्ड है, वो आपके मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी पे ही आपके पास मैसेज के थ्रू आएगा इसमें। अब हम बात करते हैं सबसे अगले नेक्स्ट सेशन में कि जो अप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको यहाँ पे कितना देना पड़ेगा। इसमें अप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 550, मतलब 550 रुपये रखा गया है। इसके अलावा एसटीएससी दोनों कैंडिडेट के लिए 550 रुपये, यानी कि फ़ीस जो है यहाँ पे बिल्कुल सेम रखा गया है अग्निवीर कैंडिडेट के लिए। आप पेमेंट का जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑनलाइन ही है सिर्फ, मतलब आपको ऑनलाइन UPI, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, QR कोड या वॉलेट से भी आप पेमेंट कर सकते हैं इसे। अब हम बात करते हैं नेवी SSR MR अग्निवीर रिक्वायरमेंट का जो रखा गया है, इसमें 2/24 का एज लिमिट है। तो नेवी SSR जो है बैच हैं उनका जो डेट ऑफ बर्थ होता है 1/11/2003 से लेकर के 30/4/2007, इसके बीच में यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूँ कि नेवी SSR के लिए जो बैच है मतलब एज है, वो आपको 1/11/2003 से लेकर के 30/4/2007 के बीच में यदि एज है, डेट ऑफ बर्थ है आपका, तो आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा नेवी MR के लिए जो रखा गया है वो 1/11/2003 से लेकर के 30/4/2007, मतलब सेम आपका जो डेट ऑफ बर्थ है इसके बीच में ही होना चाहिए। जो बाकी और बात करें कि एज पर जो इंडियन नेवी है, जो इसे बोलते हैं नौसेना भर्ती अग्निवीर के लिए, बैचेज का जो रिक्वायरमेंट है वो अकॉर्डिंग टू एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं जो पोस्ट नेम है, तो फर्स्ट तो है अग्निवीर SSR और दूसरा है अग्निवीर MR जिसे बोलते हैं CA फेस्टिव और हजनिस्ट जिसे बोलते हैं। टोटल पोस्ट अभी इसमें कोई फिक्स्ड नहीं होता है, एज पर अप्लीकेशन में कोई फिक्स्ड नहीं होता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके जो क्वालिफिकेशन है, क्राइटेरिया जो मांगा जाता है, यदि फिट आउट होते हैं तो आपको ज़रूर यहाँ पे सिलेक्शन होता है। सबसे पहले बात करें कि जो अग्निवीर SSR के लिए 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम आपका पास्ड होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो आपको मेन सब्जेक्ट होना है मैथ और फिजिक्स, इसके यदि मैथ और फिजिक्स आपका कंपलसरी होना चाहिए। इसके अलावा आप कोई भी एक सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में से तीन कोई एक सब्जेक्ट आपका तीसरा सब्जेक्ट होना चाहिए। वही बात करें कि अग्निवीर MR है जहाँ पे 10th का ही बेसिक रखा गया है कि आप 10th क्लास है वो पास्ड हैं, कोई भी रिकॉग्नाइज जो बोर्ड होते हैं जैसे स्टेट बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो या कोई SEC बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड से आप पास होना चाहिए इसमें। अब हम बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अग्निवीर के लिए जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है, कि आपको यहाँ नेवी अग्निवीर जो हाइट है उनके लिए रखा गया है 150 cm फॉर मेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है, वहीं फीमेल जो कैंडिडेट होंगी उनके लिए 152 cm रखा गया है, सेंटीमीटर जिसे बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो नेवी अग्निवीर है रनिंग का प्रोसेस है यहाँ पे, तो जो फिजिकल जैसा मैंने बताया फिजिकल टेस्ट होना चाहिए, तो आपको 1.6 किलोमीटर कंप्लीट करना है। तो मेल कैंडिडेट के लिए 6.30, मतलब 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना है ये 1.6 किलोमीटर। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए रखा गया 8 मिनट, 8 मिनट में आप इसको कंप्लीट करना होगा 1.6 किलोमीटर दौड़ जो होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं जो अग्निवीर जो होंगे स्क्वाड UPS जिसे बोलते हैं, उठक बैठक जिसे बोलते हैं, वो 20 टाइम्स फॉर मेल कैंडिडेट के लिए, मतलब
कैंडिडेट को 20 उठक बैठक करना होगा, मेल कैंडिडेट होंगे। वहीं फीमेल कैंडिडेट होंगी उनको 15 मिनट में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं 20 टाइम्स फॉर मेल एंड 50 मिनट्स फॉर फीमेल। अब हम बात करते हैं जो नेवी अग्निवीर जो है पुशअप जिसे बोलते हैं, वो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है इसमें कि 12 टाइम्स मतलब 12 टाइम्स आपको करना पड़ेगा। इसमें नेवी अग्निवीर जो बेंट नी है जिसे सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है कि उन्हें 10 टाइम्स यहाँ पे करना है। अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जो साइट दिख रहा है इसमें https://agnivirnavy.cadc.in/ पे आप जाकर के इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये जो लिंक है अप्लाई करने का वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप डायरेक्ट आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह का वीडियो आप अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।